तो आज मैं तुम्हें वैलोरेंट की सारी मॉलीज के बारे में बताने वाला हूँ एंड उसी के साथ उन सारी के टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा एंड लास्ट में तुम्हें मैं ये भी बताने वाला हूँ कि कौन सा सबसे ज्यादा डैमेज करता है एंड कौन सा सबसे ज्यादा कम। सो लेट्स बिगिन। तो बात करते हैं ब्रिमस्टोन की। ये सबसे ज्यादा डैमेज करने पे नंबर 2 पे आता है, यानी कि एक और है जो कि सबसे ज्यादा डैमेज करता है। एंड व्हाट मोस्ट पीपल डू इज कि जब भी कोई बंदा पुश कर रहा होता है ना, वो सीधा उसके ए मेन के जो एंट्री होती है वहां पर लोग डाल देते हैं, जिससे कि कोई भी टाइप का पुश आता है वो रुक जाता है। एंड मैं समझ भी सकता हूँ क्योंकि इसका डैमेज इतना ज्यादा होता है कि इस चीज से दूर रहने का ही मन करता है। एंड तुम एक और चीज कर सकते हो, अगर कोई बंदा तुम्हें लगता है ना कि कोने में फंसा हुआ है तो तुम उधर भी फेंक सकते हो, क्योंकि इसका जो प्रोजेक्टाइल है वो बहुत ज्यादा है, मींस कि ये वॉल बाउंस के बाद भी काफी दूर तक जा सकता है। तो अगर कोई भी कोने में छुपा हुआ है तो इसको जरूर से फेंकना। एक और चीज है जो इसको काफी यूनिक बनाती है वो ये है कि जब तुम इसको जमीन पे छोड़ते हो ना तो एक बाउंस करता है, एंड वही बाकी कोई एजेंट हो गया लाइक वाइपर, उनको जब जमीन पे करोगे तो सीधा फूट जाते हैं। तो तुम इसको भी ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो कि तुम कहीं पर भी स्पाइक प्लांट करो एंड उसके बाद तुम भागते हुए एक छोड़ना तो वो सीधा बाउंस करके वहां पर पहुंच जाएगा। एंड वेल यहाँ पर एक खतरा होता है कि जब तुम मॉली छोड़ने के लिए थोड़ा सा पीक लेते हो ना तब वो तुम्हें मार सकते हैं। तो उसकी जगह मैं तुम्हें क्या रिकमेंड करता हूँ, तो थोड़ा सा स्टेप बैक लो एंड तुम्हारे सामने जो दीवार दिख रहा है उस पे एम करो, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया ये वॉल बाउंस करके भी पहुंच सकता है। अब इसकी यूसेज की बात करें तो पहले तुम स्पाइक लो एंड उसको जाके डिफॉल्ट में प्लांट कर दो जहां पर नॉर्मली करते हैं, एंड उसके बाद तुम कुछ कदम पीछे जाओ एंड देन वहां पर उसके ऊपर एक स्मोक कर देना, जिससे बहुत लोग नहीं ढूंढ पाएंगे कि कहां पर हो तुम। एंड एक बार ये हो जाए देन कहीं पर दूर चले जाओ एंड एक लाइनअप बनाओ। लाइनअप मीन्स कि चाहे तुम कहीं पर भी खड़े हो तुम एक एंगल बना के अपने मॉली को छोड़ के वहां पर लैंड करा सकते हो, ताकि दुश्मन ना ही तुम्हें ढूंढ पाएंगे एंड प्लस मॉली स्पाइक पे तो वो डिफ्यूज भी नहीं कर पाएंगे एंड ऐसे तुम जीत सकते हो। अब लाइनअप के ऊपर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है, तुम्हें सिंपली सर्च करना है ब्रिमस्टोन वैलोरेंट लाइनअप एंड आई एम श्योर तुम्हें हजारों वीडियोस मिल जाएंगी एंड ये कॉस्ट करता है 250 क्रेडिट्स। नेक्स्ट एजेंट वी हैव गेको। गेको आता है हमारे 5th नंबर पे, जो कि सबसे ज्यादा डैमेज करती है एंड ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगता है इसका एबिलिटी का स्टाइल, मतलब कि जब मैं मॉस्फेट को जमीन पे छोड़ता हूं एक बहुत बड़ा रेंज बना देता है। अब खास बात ये कि स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा डैमेज देगा जब तुम उसके ऊपर रहोगे, बट फिर उसके बाद एक एनिमेशन आएगा एंड उसके बाद अचानक से बहुत सारा डैमेज देगा। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जब तुम बीच में खड़े रहते हो ना तब वो ज्यादा डैमेज देता है एंड तुम मर सकते हो, एंड वहीं अगर तुम उसके एकदम एज पे खड़े होते हो ना देन डैमेज बहुत ज्यादा रेड्यूस हो जाता है, मतलब कि 25 डैमेज पर सेकंड हो जाता है। तो अगर तुम कहीं पर भी फंस जाते हो तो हमेशा एज पे रहो, ये तुम्हारा जान बचा लेगा। एंड एक बात का ध्यान रखना, गेको की जितनी भी एबिलिटीज है ना उन सभी को तुम वापस से उठा सकते हो बाय पिकिंग देम अप, बट ये एक एबिलिटी है जो कि ऐसा नहीं कर सकती, तो प्लीज एक्सपेक्ट मत करना कि मैं इसको 2-3 बार यूज कर सकता हूँ। एंड तीसरी टिप, ये क्लॉथी मॉली है जो इसका रेंज सबसे ज्यादा है वैलोरेंट में, तो तुम इसको स्पाइक के कहीं पर भी आसपास फेंक सकते हो कि वहां पर वो पहुंच जाएगा एंड कोई भी बंदा उसको डिफ्यूज नहीं कर पाएगा। तो ये था मेरा गेको का टिप्स एंड ये कॉस्ट करता है 250 क्रेडिट्स फॉर ईच राउंड। अब बात करते हैं थर्ड एजेंट की, विच इज वाइपर। वाइपर बहुत सारे लोग वैलोरेंट में खेलते हैं एंड बहुत लोग का फेवरेट भी है ये, बट एक बार बता दूं ये नंबर 6 पे आता है सबसे ज्यादा डैमेज करने के, मतलब इसका डैमेज एक्चुअली बहुत स्लो है, लेकिन इसे एक बहुत बड़ी एबिलिटी है जो कि मैं बताने वाला हूं थोड़ी देर में। उससे पहले हम बात करते हैं इसके बारे में, जो कि है इसके जो मॉली है ना ये वॉल बाउंस हो सकती है, मगर अगर तुम इसको जमीन पे फेंकोगे देन ये सीधा टूट जाएगा। तो ये एक चीज हो गई। एंड दूसरी बात, जब तुम इसके कॉन्टेक्ट में आते हो तब इसकी आती है स्पेशल एबिलिटी विच इज वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबल होने का मतलब कि अगर बंदा तुम्हें शूट करेगा ना तो वो डबल डैमेज देगा, मतलब कि अगर उसके एक बुलेट से तुम्हें 30 डैमेज पड़ रहा था तो अब वो 60 पड़ेगा, विच साउंड्स डेंजरस, कि मतलब तुम कितनी जल्दी जल्दी मर सकते हो। ये इस चीज को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। एंड इस चीज को और भी ज्यादा डेडली बनाने के लिए पता है तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम कभी भी कोई पुश कर रहा हो तो तुम पहले एक काम करो, एक स्मोक कर दो एंड उस स्मोक के अंदर इस चीज को छुपा दो, जिससे कि बाहर से देखने में तो बिल्कुल नॉर्मल लगेगा बट वंस वो लोग अंदर जाएंगे उनको पड़ेगा डबल डैमेज, प्लस स्मोक भी हेल्थ कम कर देता है, सो इट इज वेरी वेरी स्केरी। एंड द होल रीजन लोगों को वाइपर इसलिए पसंद है बिकॉज ऑफ इट्स लाइनअप्स। अब लाइनअप्स तो मैंने तुम्हें समझा दिया, कहीं से भी एम करो वो सीधा स्पाइक के ऊपर लैंड करेगा एंड बंदे आराम से मर सकते हैं। ब्रिम की बात ये थी कि उसके पास सिर्फ एक मॉली था, बट इस केस में तुम्हारे पास 2-2 मॉली है प्लस स्मोक भी है, तो लोग अंदर जाने से बहुत ज्यादा डरने वाले हैं। तो लाइनअप्स के ऊपर तो ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि एक बार जब तुम लाइनअप की पोजीशन ले लिया ना तो एटलीस्ट 7 सेकंड्स वेट करना एक मॉली फेंकने के बाद। वो इसलिए क्योंकि 2 सेकंड लगता है उसके ट्रैवल करने में एंड तक एंड 5 सेकंड लगता है उस मॉली को रहने में, तो 5 सेकंड बाद वो खत्म हो जाएगा एंड उसके बाद तुम पुश कर सकते हो। तो ये कॉस्ट करता है 200 क्रेडिट्स एंड इसको तुम एक मैच में 2 बार ले सकते हो। एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट एजेंट की, विच इज केओ। एंड यस, केओ इज द नंबर 1 एजेंट जो कि सबसे ज्यादा तेजी से डैमेज करता है एंड वो इसलिए क्योंकि ये कंटिन्यूस डैमेज नहीं देता कि तुम्हारी धीरे करके हेल्थ कम हो रही है, ये सीधा तुम्हें कुल मिला के 4 स्ट्राइक देगा एंड हर एक स्ट्राइक में तुम्हारी 50 हेल्थ कम होती है। बट इसमें भी अगेन गेको वाला मैकेनिज्म है, मतलब कि अगर तुम सेंटर में खड़े रहोगे तो 50 पड़ेगा, वहीं अगर तुम एज में खड़े रहोगे तो डैमेज बहुत कम हो जाएगा। एंड केओ की जो मॉली का रेंज है वो भी ठीक ठाक ही है, मतलब कि तुम उसको लाइनअप के लिए तो नहीं, लेकिन अगर कोई बंदा पुश करे तो तुम एक साइड से दूसरी साइड जरूर फेंक सकते हो एंड अगर तुमने प्लांट किया तो तुम पीछे हटके भी इसको खेल सकते हो। अब केओ तो खैर बहुत लोग खेलते नहीं, मैं भी नहीं खेलता,
है तो मेरे पास इतने ही टिप्स हैं। एंड ये कॉस्ट करता है 200 क्रेडिट्स। एंड अब बात करते हैं मेरे फेवरेट एजेंट फिनिक्स की। एंड ये नंबर थर्ड पर आता है सबसे ज्यादा जल्दी डैमेज खाने के। एंड इसकी दो कमाल की एबिलिटीज है। फर्स्टली अगर तुम्हें बंदों को डैमेज करना है एंड वो पुश कर रहे हैं तो तुम इसको कितने भी दूर से फेंक सकते हो। अब यूनिक चीज की ये है कि ये एक सर्टेन पॉइंट के बाद अपने आप नीचे जाता है डायरेक्ट, मतलब ऐसा नहीं कि तुम मिस आउट कर सकते हो उस चीज को। तो मैं इसको ऐसे फेंकता हूँ कि सीधा जाता है एंड जहां से वो रुकेगा वो सीधा नीचे ही लैंड करेगा, तो इससे एनिमी का पुश डेफिनेटली रुक जाता है। एंड सेकेंडली इसमें दो ऑप्शंस है, लेफ्ट क्लिक एंड राइट क्लिक, मतलब लेफ्ट से तुम दूर फेंक सकते हो एंड राइट से तुम पास में फेंक सकते हो जब कोई बंदा कहीं पास में छुपा हुआ है। अब क्रेजीस्ट चीज इसके ये है कि जब तुम्हारी हेल्थ कम होती है ना तो तुम इससे खुद को हील कर सकते हो, तो तुम्हारी हेल्थ भी बढ़ जाएगी। बट वहीं अगर तुम्हारा एनिमी इस चीज में आता है तो उसकी हेल्थ खत्म होने वाली है। तो मैं तुम्हें हमेशा बोलूंगा इसको फुल यूज करो जितना भी ज्यादा हो सके। एंड इसकी कोई बहुत ज्यादा रेंज नहीं है तो तुम इसको पास में इस्तेमाल करना। एंड अब बात करते हैं किल जॉय की, जिससे मेरे को सबसे ज्यादा डर लगता है क्योंकि इसमें तुम्हारी मर्जी होती है, तुम जब चाहे तब इस मॉली को ऑन कर सकते हो एंड किसी भी जगह पे एक्टिवेट कर सकते हो। मतलब यह है कि तुम्हें पहले इसको कहीं पर भी प्लेस करना है बाय सिंपली लेफ्ट क्लिकिंग, एंड वंस यू आर प्लेस तुम्हें किसी भी दूर डिस्टेंस पर जाना है एंड सिंपली एफ दबाओगे तो वो एक्टिवेट हो जाता है। एंड ऑल्सो मैं बताना भूल गया, ये फोर्थ नंबर पे आता है सबसे जल्दी डैमेज के। बट इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि तुम इसको तोड़ भी सकते हो अगर तुमने जल्दी ध्यान दे दिया तो, वरना अगर नहीं तोड़ा तो भाई डैमेज खाते रह जाना। एंड मैं इसमें तुम्हें दोनों अटैकिंग और डिफेंडिंग के टिप देता हूँ। तो पहले डिफेंडिंग की बात करते हैं। तो जब तुम्हें पता हो कि बंदे पुश करने वाले हैं तो तुम इस मॉली को वहां रखना जहां से लोग साइड के थ्रू एंटर करने वाले हैं। सो फॉर दिस केस मैं इसको यहां पर एक प्लेस कर देता हूं एंड एक यहां पर प्लेस कर देता हूं। उसके बाद तुम्हें दोनों के बीच में रखना है अपना अलार्म बॉट एंड एक सेफ डिस्टेंस पे पहुंच जाना है। एक बार अलार्म बॉट बजेगा तो तुम्हें फटाफट से FF दोनों पे दबाना है एंड दोनों को एक्टिवेट कर देना है। एंड भाई मैं गारंटी देता हूं इससे बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है क्योंकि वो लोग बीचों बीच फंस चुके हैं, उनके पास दोनों तरफ से कहीं भी भागने की जगह नहीं है। एंड ये तो हो गया हमारा डिफेंस का। अब बात करते हैं अटैक करके स्पाइक प्लांट करने के बाद क्या करना चाहिए। तो यहां पर भी दो चीज तुम कर सकते हो। फर्स्ट, बहुत लोग क्या करते हैं अपने मॉली को स्पाइक के ऊपर रख देते हैं एंड देन डिस्टेंस ले लेते हैं, जिससे कि अगर कोई डिफ्यूज करेगा तो तुम एक्टिवेट कर देना एंड फिर वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, स्पाइक को डिफ्यूज भी नहीं कर पाएगा। तुम इसमें क्या करना है, या तो दूर दूर रख दो दोनों को ताकि उसको दोनों को ढूंढना पड़े, या फिर तुम स्पाइक के पास जाके ना राइट क्लिक कर दो जिससे कि वो उसी के अंदर छुप जाएगा। एंड ऑल्सो कुछ ऐसे साइट्स भी होते हैं जहां पर ना तुम एक ऐसी चीजें मिलेंगी जिसके अंदर भी तुम छुपा सकते हो, तो ये भी काफी कमाल का स्पॉट है। एंड उसके बाद तुम सिंपली सेफ खेलो। दूसरा तरीका होगा मेमोराइज करना एंड लाइनअप्स भी खेलना, जो कि अगेन यूट्यूब पे तुम्हें हजारों वीडियोस मिल जाएंगे इसके बारे में। एंड बाय द वे जिन लोगों ने भी यहां तक देखा है, मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज बताओ, इन छह एजेंट्स में से किसकी सबसे बेस्ट मॉली तुम्हें लगती है। फॉर मी इट्स फिनिक्स, बिकॉज इसकी मॉली से मैं हील कर सकता हूँ। एंड प्लीज तुम अपना भी शेयर करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखता हूँ लोग अपने अपने ओपिनियंस लिख रहे हैं या फिर डिस्कशन कर रहे हैं इस वैलोरेंट के बारे में। तो यस, अपना फेवरेट बताना। एंड टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।